और मैं हूँ रूबी नेगी और वक्त हो चुका है मिड डे न्यूज का। और मिड डे की सबसे ताजा खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां भाजपा की मध्य प्रदेश इकाई द्वारा आयोजित कार्यकर्ता महाकुंभ में आज पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश के चुनावों का शंखनाद करेंगे। आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर भाजपा का दावा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक समागम होगा, जहां 12 लाख कार्यकर्ता जुटेंगे। और मिड डे की अगली ताजा खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने दागी नेताओं के चुनावी भविष्य पर बड़ा फैसला सुनाते हुए आज कहा कि सिर्फ चार्टशीट के आधार पर जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। आपको बता दें कि पिछले महीने अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज अपना फैसला सुनाया है। और मिड डे की अगली ताजा खबर अमेरिका से आ रही है, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र बताते हुए कहा कि वो मेरे अच्छे मित्र हैं और मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रेसिडेंट ट्रंप को पीएम मोदी का अभिवादन कहा, जिसके जवाब में ट्रंप ने पीएम को मित्र कहा। और मिड डे की अगली ताजा खबर मालदीव से आ रही है, जहां मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ चीन समर्थक अब्दुल्ला यामीन चुनाव हार गए हैं और भारत समर्थित इब्राहिम मोहम्मद सुहेल जीत गए हैं। आपको बता दें कि चीन समर्थक अब्दुल्ला यामीन की हार ने एक बार फिर भारत को मालदीव के साथ कूटनीतिक संबंधों की रेस में ला दिया है। और मिड डे की अगली ताजा खबर भाजपा से आ रही है, जहां भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर के मुद्दे पर कहा कि अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए, मस्जिद में नमाज पढ़ने को इस्लाम का अभिन्न अंग न माने जाने के सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच के फैसले को 7 जजों को सौंपने पर फैसला हो सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट इससे इनकार कर देता है तो हम राम मंदिर की राह पर बढ़ रहे हैं, और यदि हाँ होता है तो हम संसद का रास्ता चुनेंगे। आपको बता दें कि शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका के पुनर्विचार पर सुनवाई करेगा। और मिड डे की अगली ताजा खबर एयरफोर्स से आ रही है, जहां राफेल डील को लेकर छिड़े घमासान के बीच भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल रघुनाथ निम्बियार ने राफेल को उड़ाकर इसकी ताकत परखी। आपको बता दें कि इन्होंने इसको लेकर कहा कि निम्बियार ने इसकी जमकर तारीफ की और कहा मैं इससे संतुष्ट हूँ। साथ ही इन्होंने इसको लेकर हो रहे विवाद को झूठा करार दिया है। और मिड डे की अगली ताजा खबर आम आदमी पार्टी से आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी भाजपा के बागी नेता यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा को राजधानी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहती है। आपको बता दें कि आपके ही एक वरिष्ठ नेता ने इस बारे में मोबाइल न्यूज 24 को बताया कि आप यशवंत सिन्हा को नई दिल्ली और शत्रुघ्न सिन्हा को पश्चिमी दिल्ली सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। और मिड डे की अगली ताजा खबर हिमाचल से आ रही है, जहां ट्रैकिंग के लिए गए आईटीआई के 35 छात्र लापता हो गए हैं। आपको बता दें कि बर्फबारी होने के कारण यहां पर मौसम बेहद खराब बना हुआ है और हजारों सैलानी पहाड़ों में फंसे हुए हैं। और मिड डे की अगली ताजा खबर राजस्थान से आ रही है, जहां भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह ने कांग्रेस में शामिल होने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं सांसद बनना चाहता था लेकिन भाजपा ने विधायक बना दिया। आपको बता दें कि मानवेंद्र सिंह राजस्थान के बाड़मेर जिले के शेओ सीट से 2013 में विधायक थे। और मिड डे की अगली ताजा खबर मौसम के बदले मिजाज को लेकर आ रही है, जहां उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में बेमौसम की बरसात से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण उत्तर भारत में अब तक 11 लोग काल के ग्रास बन गए हैं। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते यहां पंजाब में रेड अलर्ट है और वहीं हिमाचल में बाढ़ जैसे हालात हैं और पर्यटक पहाड़ी इलाकों में फंसे हुए हैं। ताज़ा खबरें और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि आप भी रह सकें ऐसी ही खबरों से अपडेट।